रस गगन गुफा में अजर झरे। रस की जो सृष्टि यहाँ पे हुई है, ये जितने भी यहाँ पे है तुझी श्रोता बैठे हैं, उन्होंने इस आनंद को अंदर से महसूस किया होगा। तो एक बार मैं फिर से चाहूँगी कि हमारे आज के कलाकारों की जो रस वर्षा की, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीनदयाल हस्तकला संकुल संग्रहालय के अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं, और मैं चाहूँगी कि सर मंच पर आए और हमारे आज के कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन करें। और सर से अनुरोध है कि दो शब्द भी जरूर बोलें। गुरु जी को प्रणाम। एक बात कहना चाहूंगा, तो 55-60 साल पहले की बात है, हमारे घर में ग्रामोफोन होता और पिताजी को बीडी पलुस्कर जी का गायन बड़ा पसंद था, तो हमारे यहाँ रोज बजता था नरसी मेहता का भजन, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, और जब भी सुनता था पता नहीं क्यों आज का बहुत उम्र हो गई, आज भी सुना तो वही भाव होगा, आज कह तो आ गए गला भर गया। एक बात और कहूंगा, इस बार जब 1 अक्टूबर की बात हुई कि संध्या है गांधी जयंती की, तो हम लोगों ने ये कहा कि कोई वरिष्ठ कलाकार रहे, क्योंकि इसके पहले का एक बार दो बार का हमारा अनुभव बड़ा खराब था गांधी जयंती का। रत्नेश्वर मा जी को हृदय से आभार, उन्होंने ऐसी रस वर्षा करने के लिए आप लोगों को भेजा कि हमारा पूरा प्रांगण समझिए पवित्र। मैं कहूंगा कि आप पुनः ऐसे कराते रहें और हम लोगों को रसिक करते रहें, आपका भी आभार, आपने बहुत अच्छा कंपेयरिंग की, और बाकी आपके जो सहयोगी हैं पंडित जी तो बहुत ही उनको तबले के लिए आपके शिष्य हैं, बहुत अच्छा बजाया, आप दोनों ने बहुत अच्छा साथ दिया गुरु जी का, गुरु जी को पुनः प्रणाम, और यही सोचता हूँ कि फिर पता नहीं कब सुनने को मिलेगा। संस्कार वन बच्चे हैं सर, सभी लोग यहाँ पे चल रहे हैं। आइए, हाँ हाँ आइए आइए, और बताएं। आज के ज़माने में सांस्कृतिक बच्चे बहुत कम मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पूरी जो फोटो हो जाए। आइए। ऐसे लेंगे तो शायद रोशनी ज़्यादा आएगी। पीछे से रोशनी आती है।